गुड इवनिंग बच्चे, आज देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमने ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ाया, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये जानना है, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स को देखा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, राइट, दिस इज ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ऑब्वियसली एक 90 डिग्री होगा। तो ए बी सी इज ये राइट एंगल ट्रायंगल, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज द मीन, मीन इज दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसको देख भी लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए प्लस सी इज ए 90 डिग्री, तो ए और सी आपस में क्या होंगे बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यदि ये थीटा है, मान लो ये यदि थीटा है, तो ए क्या होगा मेरा, ए क्या होगा, अभी देखो, यदि सी इज थीटा, थीटा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं। तो एंगल ए इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में, अब इसे मैं इरेज करता हूं और मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं वो मैं बताता हूं, राइट। अब देखो, यदि मैं थीटा को कंसीडर करके इसकी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा निकालूं, तो क्या होगा, देखो, साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, यदि मैं निकालना चाहूं इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो इफ यदि मैं इसे थीटा कंसीडर करूं, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटे, एबी, इसके बेस क्या होंगे, बीसी, और इसकी हाइपोटेनियस इज द किंग ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो चेंज नहीं होता, तो एसी इक्वल टू एच यदि मैं इसे थीटा लेता हूं, राइट। तो अभी देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटे, पी बाय एच, होगा कि नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी होगा, हाँ। तो पी बाय एच हम इंस्टीड ऑफ पी बाय एच क्या लिखना चाहता हूं, ए बी बाय ए सी लिख सकता हूं क्या नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, ए बी बाय ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी सी बाय ए सी, और टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बाय बी सी, राइट, ए बी बाय बी सी। सिमिलरली मैं कॉसेक थीटा यदि निकालना चाहूं, तो कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो जस्ट हम इसको ए सी बाय ए बी कर दूंगा,
sec theta is the reciprocal of cos theta, तो मैं लिख सकता हूं ac by bc, और cot theta is the reciprocal of tan theta, तो मैं क्या लिख सकता हूं bc by ab, राइट। अब देखो मैं इसको एक बीच में डिवाइडर डालता हूं, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो यदि मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो साइन 90 माइनस थीटा, राइट, साइन 90 माइनस थीटा, आई बात समझ में। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल के अपोजिट साइड क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, है ना। और ये अपोजिट साइड है, यदि मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, यदि मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, राइट। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, इसे ब्लू से देता हूं, राइट, ये 90 माइनस थीटा। तो जब इसको कंसीडर मैं करूं 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस इज ए किंग, वो चेंज नहीं होता। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बीसी बाय एसी। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी बाय एसी, क्योंकि इसके लिए बेस ये हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर बीसी बाय एबी, राइट। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, अब देखो कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसको क्या करेंगे, एसी बाय बीसी, एसी बाय बीसी, राइट। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो एसी बाय एबी, राइट। कॉट 90 माइनस थीटा, राइट, कॉट 90 माइनस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो मैं लिख सकता हूं एबी बाय बीसी, राइट। अब देखो ये मैंने दो निकाला, एक थीटा के ऊपर निकाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा पे लिया, राइट। अब देखो इसमें कौन कौन से इक्वल हैं, एबी बाय एसी, एबी बाय एसी, यहां पे देखो एबी बाय एसी इधर है, ये है, तो इधर का आरएचएस एबी बाय एसी, एबी बाय एसी, और ये एबी बाय एसी, यदि दोनों इक्वल हैं तो एलएचएस मस्ट भी इक्वल, हाँ, तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इक्वल टू दिस, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी ये है और ये है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, हैव यू एनी प्रॉब्लम। अब देखो एबी बाई बीसी, एबी बाई बीसी कहां है बेटे, देखो एबी बाई बीसी ये है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, राइट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एसी बाई एबी, एसी बाई एबी कहां पे आता है बेटे, देखो एसी बाई एबी, एसी बाई एबी ये दोनों आपस में इक्वल है, राइट। उसके बाद एसी बाई बीसी ये दोनों आपस में इक्वल है। लास्ट बीसी बाई एबी, बीसी बाई एबी, बीसी बाई एबी देखो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो मैं इस कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं, तो मैं इस कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा क्या नहीं, हा? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा क्या नहीं, हा? अब देखो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा देखो ये कॉट थीटा है, इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। अब देखो
cot 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है tan थीटा का, तो मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना। अब देखो अब tan cot हो गया sec, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, है ना। उसके बाद देखो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा sec, है ना। तो इस तरह से मुझे ये फॉर्मूले मिले, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। सेकेंड मुझे मिला tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और थर्ड मिला sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो यहां पे तुम देखो sin cos में चेंज हो रहा है, cos sin में चेंज हो रहा है, tan cot में चेंज हो रहा है, cot tan में चेंज हो रहा है, sec cosec में चेंज हो रहा है और cosec sec में चेंज हो रहा है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यदि फार्मूला बोलो तो इतने हमारे निकलते हैं और इसे याद रखनी पड़ेगी और इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर तैयार होता है, राइट। तो इसे नोट डाउन कर लो और उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाता हूं, राइट। इरेज कर दो, चल ठीक है। अब देखो अभी एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल में पढ़ा क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, लेकिन ये डिफरेंट है, उस फाइव एंगल से ये डिफरेंट है। यदि इस तरह का डिफरेंट एंगल मिलता है, यदि ये फाइव एंगल नहीं है और उससे डिफरेंट एंगल मिलता है, तो ये देख लेना कि सम ऑफ टू एंगल्स क्या 90 डिग्री है। तो यदि वो 90 डिग्री है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे। तो देखो अभी 18 प्लस 72 ये क्या है 90 डिग्री, बल्ले बल्ले खुश है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसमें हम क्या करेंगे एक चेंज कर देंगे, एक चेंज करेंगे, आइदर साइन को चेंज करो या कॉस को चेंज करो। देखो हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो यहां पे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 18 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, हम मुझे मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, है क्या नहीं हा? अब देखो कॉस 90 माइनस 18 इक्वल टू कितना होगा बेटे, कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, आंसर क्या होगा 1। तो ऐसी स्थिति में जिस एंगल का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है तो तुम देख लेना कि उसके नेक्स्ट जो एंगल, दूसरे जो एंगल दिए हैं क्या वो दोनों का सम 90 डिग्री है, और यदि 90 डिग्री है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा करके उसे बना सकते हैं, राइट। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल भी मैं तुम्हें देता हूं, ये एक मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लो कॉस 38 डिग्री कॉस, एक मिनट, टेन 48 डिग्री, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री,
tan 23 degree and tan 42, tan 67. Tan 42 and tan 67 degree. राइट ये तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं राइट कहेगा इसकी वैल्यू निकालो राइट अब देखो ये 48, 23, 42, 67 ये हमारा 5 जो स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो पढ़े हुए हैं उससे ये डिफरेंट है और जब मैंने बताया था कि जब डिफरेंट होता है तो हम देखेंगे कि दूसरे जो एंगल है हमारे पास क्या वो दोनों का सम 90 डिग्री होता है अभी देखो 48 + 23 क्या ये 90 डिग्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है नहीं है तो फिर हम तीसरे से देखेंगे क्या ये 48 और 42 क्या 90 डिग्री है हाँ है क्योंकि 48 + 42 कितना होता है 90 डिग्री होता है तो अभी देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है राइट अब देखो सेकेंड ये 23 डिग्री है और ये 67 डिग्री है तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो tan 48 tan 42 राइट tan 23 tan 67 डिग्री राइट अब देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मैंने बताया था कि जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उसमें एक क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे तो अभी देखो अभी हमारी ये मर्जी होती है कि हम किसे चेंज करूं इसे 48 को चेंज करूं या 42 को ये हमारी मर्जी है और कोई भी तुम चेंज करो आंसर तुम्हें मिल जाएंगे देखो tan 48 मान लो इसी को चेंज करता हूं तो थीटा की जगह पे क्या है 48 है अब थीटा की जगह पे 48 है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा तो मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 48 हो गया tan 42 मैंने एक ही बोला था चेंज करने के लिए तो ये दोनों में मैंने एक चेंज कर दिया नाउ अब देखो ये दो पेयर मिले हैं ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो ये दोनों में से एक किसी को चेंज कर देना है राइट तो ये हमारी मर्जी है कि मैं इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं मान लो मैंने इसी को चेंज किया तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है तो cot 90 माइनस 23 क्योंकि थीटा की जगह पे 23 है इंटू tan 67 राइट अब देखो cot 90 में 48 दिया बेटे तो क्या होगा 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot 90 में 23 गया तो क्या हुआ 67 डिग्री tan 67 डिग्री आई बात समझ में अब देखो बेटे cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री हमने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि tan इज ए रेसिप्रोकल ऑफ cot आई बात समझ में तो मैं इसे लिख सकता हूं tan 42 को 1 by tan 42 cot 42 इक्वल टू 1 by tan 42 इंटू tan 42 अब देखो इसमें भी सेम काम कर सकते हैं cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan तो 1 by tan 67 इंटू tan 67 अब देखो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा बेटा 1 × 1 इक्वल टू 1 दिस इज द राइट तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई भी क्वेश्चन तुम उठा के देखो और यदि उसमें कोई दिक्कत होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में तुम उसमें कमेंट करो और यदि दिक्कत होती है तो मैं उसे सॉल्व कर करके दूंगा राइट थैंक यू वेरी मच